आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात थोड़ी कर लेते हैं। जी इंडिया में भी हैं, इंडिया से बाहर भी हैं, आप फॉरेन ट्रिप्स पे भी जाती हैं, तो एक विविधता देखने को मिलती है आपके सारे फॉलोअर्स में। तो मैं थोड़ा सा बाहर के बारे में जानना चाहती हूँ। भारत भारत के बारे में तो सबने देख भी लिया जी है, आपके शोज़ के माध्यम से देखते भी हैं। बाहर के जो दर्शक हैं, बाहर के जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनका माइंडसेट कैसा है? वो आपको क्यों सुनने के लिए आते हैं? उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार ये तो इंडिया में ये चीज़ नहीं है उतनी कॉमन, लेकिन विदेशों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है? वो जी थोड़ा सा एक बार बताइए। देखिए, हाँ, पहले के समय की अगर मैं बात करूँ तो पहले के समय में, मतलब मेरा कहने का मतलब, मेरी शुरुआती दौर में 2008-09 में मैं पहली बार US गई थी, तो वहाँ जो मोस्टली जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो है अकेलेपन की. अकेलापन इन द सेंस बच्चे साथ नहीं रहते, परिवार साथ नहीं रहता, पेरेंट्स अकेले हैं घर में, हेल्थ इश्यूज़ है लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है. ये इशू बहुत मैंने फेस किया है, लोगों के भीतर देखा है कि ये होता है, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे अब इंडिया में भी आना आने लगी शुरू हो है। गई है. क्यों? क्योंकि लोगों के मन में धीरे धीरे इतनी वेस्टर्न कल्चर बढ़ता जाए. मैं वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ नहीं, वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं, जो हमारी शक्ति है, उसको मत खोइए. दूसरा, जैसा मैंने कहा, दूसरे के बनने के चक्कर में अपना अस्तित्व मत खो दीजिए. तो वो भारत में भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा शुरू हो गई है, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं होनी चाहिए. हमारे पास सब कुछ है, फॉरेन में लोगों के पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं जो हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते, आज का एक भारत का मिडिल क्लास व्यक्ति. लेकिन एक चीज़ जो नहीं है वो है अंदर का जो एक शांति, आनंद जो होता है. शांति भी ठीक है, लेकिन भीतर का जो एक आनंद होता है ना कि आदमी खुश है चारों ओर से, पैसे की कमी नहीं है लेकिन भीतर से आनंद नहीं है, तो वो चीज़ बस थोड़ी सी मुझे देखने को मिलती है. अदर देन दैट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वहाँ के लोगों में धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है, रिस्पेक्ट है. भारत से कोई संत जाता है, प्रवक्ता जाता है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं उसको, क्योंकि वो चीज़ उनको अक्सर मिलती नहीं है कथा सुनने को. और जब कोई भारत से आता है वो बड़े खुश होते हैं कि कोई आ रहा है, हमारे बच्चों को कुछ बताएगा. यंगस्टर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ के जो यंगस्टर हैं, ये हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन है कि वहाँ के जो यंगस्टर हैं वो धर्म को मानते नहीं. बिल्कुल मानते हैं, बस उनको एक सही गाइडेंस कोई देने वाला चाहिए होता है. मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, वहाँ नॉन वेज छोड़ दिया उन्होंने कथा सुन के, उन्होंने वीकली कीर्तन शुरू कर दिया, हर वीक इकट्ठे होके वो कीर्तन करते हैं. तो नास्तिक नहीं है. हमें क्या लगता है, आज के यंगस्टर जो है ना, भगवान भगवान में नहीं मानते, नहीं और मानते. पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा उनको बोल देते हैं ना कि ये तो बस ऐसा ही है, तो फिर वो ऐसे ही बन जाते हैं कि अच्छा ये तो भगवान को मानते ही नहीं. लेकिन अगर उनको सही तरीके से समझाया जाए तो आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, मानने के लिए तैयार है. आप बस लॉजिक दे दीजिए. आज के बच्चों को क्या है, आज की जो जनरेशन है उसको एक ही क्वेश्चन है, वाई वाई. राइट, वाई का आंसर आपके पास होना चाहिए, वाई का आंसर पेरेंट्स के पास होना चाहिए, प्रवक्ताओं के पास होना चाहिए. उनके कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है कि भगवान को कैसे पाना है, वो ये नहीं पूछेंगे आपसे. वो पूछेंगे कि ये 16 माला अगर आप करते हो तो 16 राउंड ही क्यों है, 17 क्यों नहीं है. तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनका आंसर हमारे ग्रंथों में सब में लिखा हुआ है. तो इसके लिए अगर बड़े लोग, घर के पेरेंट्स अगर भगवद गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो उनके पास आंसर होगा बच्चों को समझाने के लिए. तो नास्तिक कोई भी नहीं है. और मुझे जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाहर के जो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वो धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है.